एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान पूरे बिहार में विकास करने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वहीं उनके पैतृक गांव कल्याण बीघा से महज 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित चंडीर प्रखंड के घोरहरी गांव में आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी विकास से कोस दूर है। गांव के ग्रामीणों को पुल न होने की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि आज भी किसी की तबीयत खराब हुई तो मुहाने नदी में मौत के खौफनाक मंजर के सहारे चचरी पुल और पगडंडियों के सहारे मुख्यालय तक जाना पड़ता है। दरअसल ये गांव हरनौत विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और इस क्षेत्र के विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री हरिनारायण सिंह हैं। इस गांव के लोगों की अब सरकार से उम्मीद ही टूट चुकी है, लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा है। आप घर है घोरहरी सर चंडी प्रखंड में रहते हैं, हमारे करीब विधायक जी कहते हैं कि अब्रिप देंगे, कहते कहते अच्छी हम बुढ़ारी बीत गया सर, कोई अच्छी बात नहीं कहते मानते हैं, वोटो ले लेते हैं, कहता कि घोरहरी गांव है ये हम वोटे नहीं देते हैं। हाँ, तो कैसे आवागमन होता है? आते हैं, कभी हंडिया पर पार करते थे, कभी कसला में, कभी नाद में, सालपीट खाद वगैरह पाल करते थे। अभी कैसे पार होते हैं? अब तो सर देखिए टूटा हुआ चाली है, इसे यह कभी धोखा देता था, बाल बुतरु गिर जाता है, मर जाता है। लेकिन कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। विधायक क्या कहते हैं? कहते हैं अबरी में देंगे, तबरी में देंगे, वोटों में ही ले लेते हैं, कहते हैं कि अबरी में देंगे, तबरी में देंगे, अब क्या के पिछ जाते हैं। कौन है विधायक यहाँ का? बाबू हरनारायण सिंह। रोड और पुल बनना चाहिए, हमारा गांव बहुत पिछड़ा है, हमारे चंडी प्रखंड का ये घोरहरी गांव है जहाँ रोड और पुल के कारण बहुत सारी दिक्कतें समस्याएं आती है, प्रसव में महिला की प्रसव में दिक्कत होता है, बच्चे हमारे काफ़ी सारे डूब के मर जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को सरकार से यही मांग है, बार बार यही मांग करते हैं कि रोड और पुल हम लोग को चाहिए। ये कम से कम आज़ादी से 60-70 साल हो गया, अभी तक कोई भी सरकार आया ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम लोग बार बार यही कोशिश करते हैं, हर बार वोट भी देते हैं, लोकसभा हो या विधानसभा सब में वोट देते हैं, और हमारी मांग एक ही रहता है कि पुल और रोड चाहिए, बस ये सरकार पूरा कर दे, ये गांव फिर सुरक्षित हो जाए। मुहाने नदी पर पुल नहीं होने के कारण ये हिस्सा अभी भी विकास से कोसों दूर है। प्रखंड के पूर्वी हिस्से की पंचायत गांव को मुख्यालय आने के लिए नदी पार करने के लिए इस तरह आना पड़ता है कि कोई भी भयानक हादसा हो सकता है। फिलहाल ग्रामीणों ने सरकार से पुल बनाने की गुहार लगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नालंदा से राजकुमार मिश्रा की रिपोर्ट।